हाँ तो दोस्तों, मैं सुनील लखोटिया आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। और अब हम एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम है ब्रेन मैप। इस ब्रेन मैप में एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस मैं कोई भी सेलेक्ट करूंगा और उसको पूरा घुमाता हुआ सारे सब्सटेंस ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता हुआ और फाइनली उसी स्टेज में ला दूंगा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। तो आपको बहुत सारे रिएजेंट का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया और एक साथ पूरी ऑर्गेनिक का जिसके अंदर रिड्यूस रिडक्शन ऑक्सीडेशन सब देखने को मिलेगा। आपको बहुत मजा आने वाला है। आप प्लीज इसको लाइक और शेयर करिए। देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा नया प्रोग्राम ब्रेन मैप। तो ब्रेन मैप में देखिए, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, क्या दिख रहा है आपको ध्यान से देखिए। आपको दिख रहा है एक एल्काइन CH CH यानी एसिटालाइन। तो ये एसिटालाइन का आपने क्या करा, पॉलीमराइजेशन किया। पॉलीमराइजेशन किस कंडीशन में होता है, जब कॉपर ट्यूब में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको बहुत ज़्यादा हीटिंग करते हैं, बहुत देर तक के लिए लग करते हैं। तो ये जो पॉलीमराइजेशन होगा तो एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, बेंजीन में। बेंजीन में कन्वर्ट हो गया यानी C6H6 में। अब बेंजीन का अगर आपने बिच रिडक्शन किया यानी सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ किया, तो बिच रिडक्शन में जो कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड जैसे यहाँ पर आपके पास कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड है लाइक दिस, तो वो कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिडक्शन हो जाएगा और फाइनली कोई एक डबल बॉन्ड गायब होगा और दूसरा इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें कॉन्जुगेशन नहीं रहा तो बिच रिडक्शन फर्दर नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि पूरा एक पाई बॉन्ड का लॉस है और वो किस में चेंज हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन डाइईन में। चलिए ठीक है, अगर यही बेंजीन का आपने इस जगह ओजोनोलिसिस किया, कौन सा वाला ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस दो तरह के हैं, रिडक्शन ओजोनोलिसिस या ऑक्सीडाइजिंग ओजोनोलिसिस। रिडक्शन में एल्डिहाइड बनता है और ऑक्सीडेशन में आपको एसिड मिलता है। मैंने यहाँ पर रिडक्शन ओजोनोलिसिस किया है जिससे आपको CHO CHO या मिल रहा है। अब ये CHO CHO यानी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो अब आपको अगला पॉइंट मैंने क्या करा, यहाँ पर कंसंट्रेटेड KOH और हीटिंग कर दिया। तो इस जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो कौन सी रिएक्शन मिलती है, बोलो जल्दी से, कैनिजारो। अब ये जो कैनिजारो रिएक्शन है, ये कैनिजारो रिएक्शंस में एक ऑक्सीडेशन होता है एक रिडक्शन यानी कि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस। तो मैंने यहाँ पर CHO का क्या कर दिया, एल्कोहल में चेंज कर दिया और दूसरी तरफ क्या कर दिया, CHCCOO-। तो यहाँ पर CH2OH और COO- में कन्वर्ट हो चुका है यानी एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस्ड। अब आपके पास एक तरह से यहाँ पर आपके पास क्या बन चुका है, एक डिसप्रोपोर्शनल प्रोडक्ट बन चुका है। दूसरी तरफ यही एल्काइन से मैं आगे आने की कोशिश करता हूँ। ये एल्काइन मुझे कार्बन और हाइड्रोजन से भी मिल सकती है जिसको 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ रखेंगे तो आपको एल्काइन यानी एसिटालाइन यहां पर देखने को मिलेगी, लेकिन यही कार्बन हाइड्रोजन को 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मीथेन। मीथेन का ब्रोमिनेशन करने पर क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल मोनो डेरिवेटिव्स यानी कि ब्रोमो मीथेन। अब ब्रोमो मीथेन का आपने वुड्स रिएक्शन कर दिया यानी सोडियम के साथ कर दिया तो क्या बन जाएगा आपको, इथेन मिल जाएगा। इथेन आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये इथेन आपके पास आ चुका है। तो ये जब इथेन है आपके पास, इस इथेन को आपने फिर ब्रोमिनेशन किया इथाइल ब्रोमाइड और इस वक्त आपने क्या कर दिया, QH कर दिया यानी कि एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कौन सा होगा यहाँ पर बताइए जल्दी से, यहाँ एलिमिनेशन होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस है E2 एलिमिनेशन। तो ये जब E2 एलिमिनेशन हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पर एलिमिनेशन के लिए आपको एल्कोहलिक लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एक्वस ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्सिट्यूशन, और आपके पास इथाइल ब्रोमाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। और अब एल्कोहल का आपने ऑक्सीडेशन किया PCC, PCC बोले तो पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और उससे किया ऑक्सीडाइज, तो ये जो आपका एथेनॉल बना है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एसिटाल्डिहाइड। देखिए आप एसिटाल्डिहाइड पे चेंज हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। अब एसिटाल्डिहाइड का आपने फर्दर ऑक्सीडेशन किया किससे, KMnO4 से। KMnO4 एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा जल्दी बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यानी यहाँ पर तो एसिटिक एसिड आपको देखने को मिलेगा, इज दैट क्लियर। अब एसिटिक एसिड का आपने NaOH के साथ किया तो सोडियम एसिटेट यानी एक सॉल्ट बन जाएगा। इस सोडियम सॉल्ट का आपने क्या किया, एक तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आपने रखा तो आपके पास कौन सी गैस बनेगी, और वो है मीथेन। तो ये हमारे पास मीथेन आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अब वापस हम आते हैं इसी चार्ट को, हमने मीथेन पे यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। दूसरी तरफ हमारे पास कहाँ था, हम वापस आते हैं इस जगह, ध्यान से देखिए,
इस तरफ हमने क्या करा, जब हमारे पास सीएचओ मिला था तो हमने यहां तक तो हम आ ही चुके थे, और अब इसके बाद हम इस तरफ से जाते हैं सीएससी बीआर। अगर केसीएन के साथ करा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी, SN2 रिएक्शन होगी, और यहां पर क्या बन जाएगा आपको, प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर रिडक्शन करा तो आपको क्या मिलेगी, एमीन, और प्रोपेन नामीन मिल गया। प्रोपेन नामीन को आपने HNO2 के साथ रिएक्शन करा तो वो सीधा सीधा आपको क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन जैसी रिएक्शन होती है, इसको डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन बोलते हैं, और इसके अंदर आपको मिल जाएगा कौन सा अल्कोहल मिल जाएगा, 2° अल्कोहल। तो ये आपको 2° अल्कोहल मिल गया। दूसरी तरफ अगर यही जो नाइट्रिल प्रोपेन नाइट्राइल थी, इसके अगर आपने इसको आपने क्या करा, सिर्फ हाइड्रोलिसिस किया तो CN का हाइड्रोलिसिस हो गया COOH, यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक एसिड की अगर आपने PCl3 के साथ रिएक्शन करा दी तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड देखने को मिल रहा है, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। और अमोनिया के साथ करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, एमाइड। इज दैट क्लियर? तो ये देखिए आप, एमाइड आपको मिल चुका है। ये एमाइड का अगर आपने BR2 और KOH के साथ रिएक्शन कराया तो हाफ पान ब्रोमेमाइड रिएक्शन हो जाएगा और आपको 1° एमीन मिलेगा, यानी इथाइल एमीन मिल गया। ये इथाइल एमीन के साथ अगर आपने रिएक्शंस कराया, कौन से के साथ कराया, अगर आपने यहाँ पर HNO2 के साथ कराया तो HNO2 क्या करता है, एमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, अल्कोहल एथेनॉल। और दूसरी तरफ अगर आपने यहाँ पर क्या कहते हैं आइसोसाइनाइड रिएक्शन कराया तो आपको आइसोसाइनाइड टेस्टमिक मिलेगा और CH2NC यानी आइसोनाइट्राइल आपको देखने को मिलेगा। तो ये कार्बाइल एमीन नाम के से भी जानी जाती है रिएक्शन, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी तरफ हम वापस आते हैं ऊपर से, यहाँ तक हमारा स्टॉपेज हो चुका है। तो शुरू होते हैं ऊपर हमारा ये पॉइंट, देखिए यहाँ हमारे पास क्या पॉइंट बन रहा है, हमने क्या किया, बेंजीन का ऑक्सीडेशन किया। तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन करा तो हमारे पास बन गया यहाँ पर मैलेइक एनहाइड्राइड, इसको बोलेंगे मैलेइक एनहाइड्राइड। ऑक्सीडेशन के लिए हमने V2O5 500°C लिया। अब मैलेइक एनहाइड्राइड का हमने क्या किया, KOH के साथ बेसिक मीडियम में हाइड्रेशन करा तो हमारे को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, मैलेइक एसिड यानी सॉल्ट ऑफ मैलेइक एसिड, इसको बोल सकते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलेइक एसिड। अगर इस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलेइक एसिड का हमने कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करा तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिटाइलिन यानी कि एल्काइन। फिर ये एल्काइन का हमने 1 मोल H2 के साथ रिडक्शन किया तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, एल्कीन यानी इथाइलिन हमें मिल गया। इथाइलिन 1 और मोल किया तो हमें क्या मिल जाएगा, एथेन। और दूसरी तरफ अभी हम इस एथेन का हमने ब्रोमिनेशन किया Br2Hμ के साथ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए CH2Br यानी इथाइल ब्रोमाइड आपको देखने को मिलेगा। फिर इथाइल ब्रोमाइड की अगर KOH के साथ रिएक्शन करा दी तो एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन अल्कोहलिक लेना पड़ेगा, अल्कोहलिक लिया भी है तो हमारे पास वापस क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। अब एल्कीन के साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर नीचे हम जा रहे हैं Br2CCl4 लगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा, एक ब्रोमीन इस कार्बन पर, एक ब्रोमीन इस कार्बन पर, तो आपको क्या मिलेगा, इथाइलिन ब्रोमाइड बोलेंगे। इथाइलिन ब्रोमाइड में ई डबल बॉन्ड नहीं होता, ये उसका डेरिवेटिव नेम है, तो इथाइलिन ब्रोमाइड आपके पास आ गया। अब एल्कोहलिक KOH लिया तो एक HBr एलिमिनेट हो जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, विनाइल ब्रोमाइड। अब विनाइल ब्रोमाइड में से एक और HBr निकालना है, अब एल्कोहलिक KOH लेंगे नहीं होगा, उसके लिए और स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, और वो स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास NaNH2 यानी सोडामाइड। तो अगली बार नेक्स्ट टाइम पे आपको सोडामाइड देखने को मिलेगा, यही हमने किया है, यानी हमारे पास क्या हो गया, सोडामाइड। और जैसे ही हमने सोडामाइड लिया हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, एसिटाइलिन यानी कि हमारे पास एल्काइन बन गया। अब ये जो एल्काइन है NaNH2 के साथ अगर और कंज्यूम किया तो टर्मिनल हाइड्रोजन जो होते हैं एल्काइन, अगर टर्मिनल कार्बन पर है तो यहाँ तो दोनों ही है तो वह हाइड्रोजन माइनस माइनस हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी एसिडिक होता है, और माइनस माइनस होने के साथ ही अगर CH3 कर दिया जाए उसी वक्त तो एक CH3 यहाँ अटैच हो जाएगा, एक CH3 यहाँ हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर एल्काइन मिलेगा और वो भी 4 कार्बन यानी ब्यूटेन, और 2-ब्यूटाइन हम बोल सकते हैं, ब्यूट 2-2 आइन हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास एल्काइन ही है, अगर आपने यहाँ पर HgSO4 और H2SO4 लिया
H2SO4 डाइल्यूट ही रखना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं कुचरोव रिएक्शन, जो कि एल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देती है, कार्बन नाइल में। और वही हमें देखने को मिल गया, यानी कि हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अगला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास एसिटाल्डिहाइड यानी एथेनेल भी हम बोल सकते हैं, ये हमें एथेनेल मिल गया। ठीक है, और अब एथेनेल का अगर हमने रिडक्शन किया, किससे किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस में रिड्यूस कर देता है, एल्कोहल में, इथाइल एल्कोहल आपको देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर यही हमारे पास जो एल्काइन थी उसकी हमने रिएक्शन करी और हमें ये जो बने क्या मिला, ब्यूटेन, ब्यूट टू आइन मिला हमें। ब्यूट टू आइन का अगर आपने इस जगह रिडक्शन किया, कौन सा रिडक्शन किया, आपके पास दो तरह के रिडक्शंस होते हैं, एक लिंडलार रिडक्शंस, एक बिच रिडक्शंस। लिंडलार रिडक्शंस किया तो लिंडलार रिडक्शंस सिस एल्कीन बनाएगा, जबकि बिच रिडक्शंस आपको कौन सा बनाएगा, ट्रांस। मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर ध्यान से सुनिएगा, लिंडलार सिस और हमारे पास ट्रांस क्या बनाए, ये क्या बोलते हैं, बिच रिडक्शन क्या बनाएगा आपके पास, ट्रांस। ठीक है, तो ट्रांस ब्यूटीन हमारे पास, फिर हमने Br2 का एडिशंस किया CCl4 मीडियम में, तो ये पहले ही ट्रांस है, यानी मैं ट्रांस को बोलता हूँ नेगेटिव, और Br2 एडिशन जो होता है वो भी मेरे लिए क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी दोनों Br सेम डायरेक्शन में आएंगे, Br Br, और जब सेम डायरेक्शन में आते हैं Br, तो इस जगह आपको कौन सा कंपाउंड मिलेगा, मेजो। तो यहाँ आपको मेजो मिलेगा, जबकि यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर Br2 अटैच किया होता तो Br2 अटैचमेंट नेगेटिव होता है, और जबकि सिस अपने आप में पॉजिटिव बोलता हूँ, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नेगेटिव होता है, यानी Br Br अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, दो कायरल है, रेसेमिक मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। तो ये आपने पूरा चार्ट समझा, बड़ा मजा आ रहा है इस चीज को, थोड़ा सा और ऊपर से देखते हैं हम। ये हमने स्टार्ट किया यहाँ पर, अगर हमने इस जगह इथाइलिन था, हमने कोल्ड KMnO4 लिया, कोल्ड KMnO4, यानी हमारे पास इस जगह KMnO4 काफ़ी डाइल्यूट है, इसको बोलते हैं बेयर रिएजेंट, बेयर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, दोनों तरफ OH OH यानी कि ग्लाइकोल हमारे को मिल जाएगा, ये ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन किया, ग्लाइऑक्सेल मिल जाएगा, ग्लाइऑक्सेल का ऑक्सीडेशन किया तो हमारे को सक्सेनिक एसिड देखने को मिलेगा, ये सक्सेनिक एसिड हमारे पास हो चुका है, नहीं सॉरी, यहाँ आपको क्या मिलेगा, ऑक्सेलिक एसिड। और अगर आपने ग्लाइऑक्सेल का कंसंट्रेटेड KOH से रखा तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर केनिजारो रिएक्शन, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। तो ये आपके पास पूरा चार्ट हो रहा है एलिफैटिक का। तो चलिए ठीक, एक बार और देख लीजिए। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरफ हम बात कर रहे हैं, चलिए ठीक। तो यहां हमारे पास देखिए सक्सेनिक एसिड का अगर हमने हीटिंग करा तो हमें क्या मिलेगा, सक्सेनिक एनहाइड्राइट, इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास सक्सेनिक एनहाइड्राइट हमारे को देखने को मिलेगा, ये सक्सेनिक एनहाइड्राइट हमारे को कहां मिला था, ध्यान से देखिएगा, CN, बिल्कुल यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमने एल्काइन का Br2 के साथ एडिशंस किया, इस तरफ से स्टार्ट करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, तो Br2 के साथ अगर हमने इसको स्टार्ट किया और हमने मीडियम CCl4 नहीं रखा, H2O रखा, तो एक तरफ Br अटैच होगा और एक तरफ OH अटैच होगा, तो Br और OH कर दिया। फिर उसके बाद भी हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट की, वो भी एसिडिक मीडियम में, तो Br और OH दोनों ही अच्छे लिविंग ग्रुप हैं एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास KCN रखा तो दोनों ही CN से रिप्लेस हो जाएंगे, तो इथाइलिन साइनाइड बनेगा। इथाइलिन साइनाइड का आपने क्या किया, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रेशन किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड को गर्म किया तो सक्सेनिक एनहाइड्राइड आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए सक्सेनिक एनहाइड्राइड आपको देखने को मिल गया। अब आगे अगर यही सक्सेनिक एसिड को आपने Br2CCl4 के साथ रखा, तो जो कार्बन है अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Br यहाँ लगेगा, Br यहाँ लगेगा, तो इसको बोलेंगे डाई ब्रोमो सक्सेनिक एसिड्स। दूसरी तरफ अगर हमने यहाँ पर गर्म किया तो हमें क्या मिल रहा है, सक्सेनिक एनहाइड्राइड, और जब हम यहाँ पर डाई ब्रोमो सक्सेनिक एसिड को AgOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, AgOH एक Br को किस में चेंज कर देगा, OH OH में, तो डाई हाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड
और इसको हम बोलते हैं टार्ट्रिक एसिड। तो ये हमें टार्ट्रिक एसिड भी देखने को मिल गया, इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास एक एलिफेटिक चार्ट है। इस चार्ट को से आपने बहुत सारी ऑर्गेनिक देखने को मिली, सीखने को मिली। इस चार्ट का पीडीएफ मैं जल्दी ही आपके इसमें लोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप देख सकते हैं। अगर आपको चार्ट ऐसा पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, मैं और इस तरह के चार्ट आपको दूंगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं यहीं स्टॉप कर दूंगा, मेरे दूसरे वीडियोज़ भी बहुत सारे बन रहे हैं। थैंक यू। तो जल्दी से अच्छे कमेंट्स करिए। हाँ तो मित्रों, आपको मेरा ये ब्रेन मैप आइडिया कैसा लगा प्लीज़ अच्छे कमेंट करके बताएं। और दूसरा पॉइंट, इस ब्रेन मैप जैसे ही आपको ब्रेन मैप और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम और बहुत सारे ब्रेन मैप लेके आएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।